हम बच्चे से जवान तथा जवान से बूढ़े होते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा शरीर एक समान नहीं रहता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय का पहिया निरंतर चलता रहता है और हम इसे महसूस करते हैं। हमें भूतकाल की घटनाएं वर्तमान में याद रहती हैं, पर हम अपनी भविष्य की कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। दैनिक जीवन में हमें लगता है कि समय एक समान रफ्तार से चल रही है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हम इसी प्रकार अपनी ज़िंदगी जीते चले जाते हैं। पर आज का यह एपिसोड आपका समय के प्रति नज़रिया ही बदल देगा और आज आप वास्तविक विज्ञान के ऐसे नियम को जानेंगे जो मानव समाज के भविष्य में जाने यानी टाइम ट्रेवल के सपने को सच करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं समय के बारे में। जैसा कि हमें लगता है कि समय की रफ्तार नियत है, पर ऐसा नहीं है। समय हर जगह एक रफ्तार से नहीं चलती, कहीं इसकी रफ्तार धीमी है तो कहीं तेज। तो आखिर ऐसा क्या है जो समय की रफ्तार में परिवर्तन कर सकता है? हम मनुष्य तीन आयामी दुनिया यानी थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं और यह दुनिया हमें वास्तविक लगती है, पर वैज्ञानिकों ने चतुर्थ आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन को खोज निकाला है, जो कि इन तीन आयामों से थोड़ा अलग है, पर इसे समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए इसे समझते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था कि कैसे कोई पिंड किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, पर उस समय उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि किसी पिंड का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल समय की रफ्तार पर भी प्रभाव डालता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। समय पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को ही हम चतुर्थ आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन कहते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि हमारी पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण है, तो यह भी समय पर प्रभाव डालती होगी। तो इसका जवाब है हाँ, पर पृथ्वी द्वारा समय पर डाला गया प्रभाव इतना कम होता है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते। पर इस बात को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों ने सन 1977 में एक सैटेलाइट भेजा जिसमें एक घड़ी लगी हुई थी जो कि हर 24 घंटे में एक सेकंड के कुछ हजारवें हिस्से पीछे चली जा रही थी। शुरू में लगा कि ऐसा घड़ी में किसी दिक्कत के कारण हो रहा है, पर बाद में और ज़्यादा एक्यूरेसी वाले डिजिटल घड़ियों वाला सैटेलाइट भेजा गया, पर समय में यह धीमापन उसमें भी दर्ज किया गया और इस प्रयोग ने विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया। इसे आइंस्टाइन ने खोजा था, पर उस समय उन्होंने इसे केवल गणितीय रूप से सिद्ध किया था। टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वे इसे प्रैक्टिकल रूप से सिद्ध नहीं कर पाए और इसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इसके प्रभाव से हमारी पृथ्वी, जो कि 4.5 बिलियन वर्ष पुरानी है, इसका केंद्र यानी कोर सतह से 2.5 वर्ष कम उम्र का है। आपको लग रहा होगा कि समय के इतने कम अंतर से क्या होगा, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा बहुत बड़ी है और पृथ्वी इसकी तुलना में बहुत छोटी है और इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कमज़ोर है। पर यदि हम ब्लैक होल की बात करें तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी उसे पार नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली जो कि हमें ब्लैक होल तक सही सलामत ले जाए, और अगर हम इस ब्लैक होल के पास एक साल बिताएं और फिर पृथ्वी पर लौट आएं, तो यकीन मानिए यहाँ सैकड़ों साल बीत चुका होगा। आपके साथी जो पृथ्वी पर हैं उनकी सैकड़ों पीढ़ी गुजर चुकी होगी क्योंकि ब्लैक होल ने आपके समय को धीमा कर दिया। पर जब आप यहाँ थे तो आपको यह एहसास नहीं हुआ था। उस स्पेसयान में आपको लगा कि आपने एक साल ही बिताया, और यह सच भी है कि आपने ब्लैक होल के सापेक्ष एक साल का समय गुजारा, पर पृथ्वी के सापेक्ष वह एक साल सैकड़ों साल के बराबर था। तो आप समझ गए होंगे कि सापेक्षता का सिद्धांत तथा चतुर्थ आयाम क्या है, और भविष्य में निश्चित ही हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित होगी और फिर हम समय यात्रा कर सकेंगे। सचमुच यह दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और इन सब रहस्यों से हमारा विज्ञान पर्दा उठा रहा है। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।